अजमेर की सेंट्रल जेल कैदियों के लिए सजा वाली जेल नहीं बल्कि अब मजे वाली जेल है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। जुलाई माह में ही अजमेर की सेंट्रल जेल में धांधली का खुलासा करते हुए एसीबी की संभाग स्तरीय 7 टीमों ने पूरे दिन अजमेर में कार्यवाही करते हुए 4 जेल कर्मचारियों के साथ ही 2 कैदियों और 1 कैदी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया था। सेंट्रल जेल अजमेर से लंबे समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ बंदी जो जेल में बंद हैं वो और कुछ जेल का स्टाफ ये मिलके और जो कैदी हैं उनको विशेष सुविधाएं देने के नाम पे, जिसमें कि अलग से पकाया हुआ भोजन, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, अन्य सुविधाएं, जेल में मारपीट नहीं करना, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करने के नाम पे उन लोगों से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और इसमें जेल का स्टाफ भी मिला हुआ है। इस सूचना के बेसिस के ऊपर आज 7 टीमें अलग अलग बनाई गई थी, अजमेर संभाग की और एक टीम आलोक शर्मा की जयपुर से आई थी, और इन टीमों के द्वारा मिलकर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 4 जो जेल के स्टाफ हैं कर्मचारी उनको गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, और 3 व्यक्ति, इसमें एक जेल का कैदी है जो कि पैरोल पे आया हुआ है बाहर, और 2 उसके परिवार के लोग, उन लोगों को लाके और अभी डिटेन किया गया है। एसीबी के एसपी राजीव प्रचार ने आखिर में ये भी संकेत दे दिए कि इसमें शामिल और लोगों की तलाश भी जारी है जिसमें अधिक स्तर के लोग भी हो सकते हैं। बाकी अभी जेल के स्तर पर तलाशी चल रही है और उनके जो रिकॉर्ड हैं विभिन्न तरह के जो अभी सीज किए गए उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि इसमें और कितने लोग, कौन लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। महीने भर भी नहीं बीते और एक बार फिर कैदियों की ऐशगाह अजमेर की जेल से एसीबी ने कार्रवाई की। यहाँ भी अंधेरे में चलाया एसीबी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। सेंट्रल जेल में कैदियों के साथ चल रहे अवैध वसूली मामले में एसीबी ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने इस मामले में अजमेर सेंट्रल जेल के जेलर जसवंत सिंह सहित 2 अन्य व्यक्तियों राजेंद्र और अनिल को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों ही आरोपी जेल में बंद कैदियों से जेल में सुविधाओं के नाम पर वसूली किया करते थे। कल देर रात एसीबी स्पेशल यूनिट अजमेर द्वारा जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जो पूर्व में प्रकरण जेल अनुसंधान था उसमें 3 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जसवंत सिंह जेलर, तत्कालीन पदस्थापन इसका जेल केंद्रीय कारागृह अजमेर में था। जेलर के माध्यम से कैदियों को भुगतान के लिए डराया धमकाया जाता था, जबकि राजेंद्र और अनिल के खातों का उपयोग वसूली की रकम को वसूलने के लिए किया जा रहा था। इस मामले में एसीबी इससे पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, साथ ही कुछ अन्य जेल कर्मचारी और बाहरी व्यक्ति भी एसीबी के रडार पर हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना है।